वापस बॉल आ ठक। इसमें खेलने आ गई। अरे इतनी देर लगा दी। हाँ वो घर पे मैं थोड़ी बिजी थी इसीलिए। चलो खेलते हैं। ओ, ये अरे अभी तक निकल नहीं आया। हाँ अब वो तो आ जाएगा। हाँ हम तो एक और खेल लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स मैं भी आगे खेलने। चलो अब खेलते हैं। निकल थोड़ी देर लगा दी। अरे वो मैं थोड़ा बिजी था फोन पे। चलो खेलते हैं बच्ची। आ गई बोल अपने आप ही। ये लो। अरे वो दीवार से टकरा के आ गई होगी। हाँ इसीलिए तो उधर इधर उधर इधर उधर इधर। कितना मजा आ रहा है ना। उधर इधर। यार बहुत देर हो गई। मैं तो घर जा रहा हूँ। शाम भी होने वाली है। हाँ यार मैं भी जा रहा हूँ। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा होंगी। उनका गुस्सा नहीं देखा। इतने मोटे मोटे डंडे से मारती हैं। सूज जाते हैं। निकल यार थोड़ी देर और रुक जाओ ना। अरे यार मुझे मम्मी पीटती हैं बहुत तान कर। मैं कैसे रुक सकता हूँ ना भाई ना। मैं नहीं रुक पाऊंगा अब। निकल रुक जा ना शाम हो रही है। अरे मैंने बोला ना मैं नहीं रुक पाऊंगा। मुझे मम्मी बहुत मारेंगी। मेरी मम्मी तो बहुत मारेंगी मुझे। हाँ मुझे भी। अरे यार रुक जाओ ना शाम हो रही है तो होने दो। नहीं हम नहीं रुक पाएंगे। चलो मैं तो जा रहा हूँ बाय। मैं भी जा रहा हूँ बाय। अगले दिन मिलेंगे बाय। ठीक है तुम दोनों को नहीं रुकना तो जाओ। मैं अकेली खेल रही हूँ खेल लूंगी। इनको क्या लगता है क्या मैं खेल नहीं सकती अकेले। पता नहीं ये सब लोग अपनी मम्मी पापा का कहना क्यों मानते हैं। इनको क्या लगा कि मैं अकेले खेल नहीं पाऊंगी। मैं खेल सकती हूँ अकेले। अरे बहुत देर हो गई है खेलते खेलते। मैं घर पे जाने से पहले भेल खा लेती हूँ। अरे ये मेरे कपड़े कैसे बदल गए। चलो ठीक है इतने भी बड़े कपड़े नहीं लग रहे। मैं भेल खाती हूँ। अरे ये अंगूठी कितनी सुंदर है। लगता है ये सोने की है। अच्छा वही और किसी नहीं मिली मुझे मिली। अब मैं इसे पहन लेती हूँ। वाह ये अंगूठी को तो मैं घर पे ले जाऊंगी। अच्छा वो इसकी इससे पे किसी की नजर नहीं पड़ी। अब मैं जल्दी से घर ले जाती हूँ। अरे बेटा यहाँ पर बैठी बैठी क्या करने लग रही हो तुम। कुछ नहीं मम्मी। मैंने तुम्हारे लिए ना खाना बना दिया है तो तुम खा लो। आ जाओ मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है आज। मम्मी मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है ठीक है जब तुम्हें भूख लगे तब खा लेना ठीक है। ठीक है। हाँ अरे ये क्या गिरा दिया तुमने। उठा कर लाओ उसको। क्या गिरा दिया बताओ मुझे क्या है ये। अरे बाप रे ये तो बहुत ही महंगी अंगूठी लगती है। सोने की अंगूठी लगती है। ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई सच बताओ मुझे। मुझे पेड़ के पास मिली थी। ये पेड़ के पास मिली है तुम्हें। अरे बेटा ऐसी चीजें नहीं उठाते। ये क्या बात हुई कि तुम कहीं से भी अंगूठी उठाकर घर में ले आओ। इसको ना तुम बाहर फेंक कर आना ठीक है। पर मम्मी ये बहुत मुझे पसंद आई थी। पसंद आई थी। अरे बेटा बाहर की चीजें घर में लेकर ही नहीं आना है। तुम्हें चुपचाप से फेंक कर आना पड़ेगा नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगी ठीक है। लो इसे फेंक कर आना। घर पे मत लेके आ जाना ठीक है। जाओ फेंक कर आओ नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगी ठीक है। फेंक कर ही आना। पता नहीं यार क्या हो गया कहीं से भी चीजें उठा के ले आई। बहुत लोग गलत तरीके से चीज़ें फेंक देते हैं कभी कभी जादू मंत्र करके। घर में चीज़ें नहीं लाना चाहिए बाहर भी क्यों ही। अच्छा हुआ मैंने फेंकने के लिए भिजवा दिए क्षमा को। इस अंगूठी को मेरा फेंकने का मन तो नहीं है पर फेंक देती हूँ।
रुको बेटा, मुझे मत फेंको। कौन 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 कौन? मैं एक जादू ही पेड़ हूँ बेटा, इस अंगूठी को मत फेंको। ये अंगूठी तुम्हारे काम में आएगी। ये अंगूठी किस काम में आएगी? ये एक जादुई अंगूठी है, ये तुम्हारे काम में आएगी। पर तुम मुझे ये जादुई अंगूठी क्यों दे रहे हो? तुम मुझे बहुत ही अच्छी लड़की लगी, इसलिए मैं तुम्हें ये अंगूठी दे रहा हूँ। अगर मैं अभी ट्राई करके देखती हूँ ये अंगूठी जादू है क्या नॉर्मल है। अंगूठी अंगूठी मुझे एक मोबाइल दे दो। अरे ये तो सच में जादुई अंगूठी है। थैंक यू पेर, मुझे एक जादुई अंगूठी देने के लिए। अब मैं इसे घर पे जाके अच्छे छुपा के रख दूंगी ताकि इस पे किसी को नजर ना पड़े। और इस जादुई अंगूठी से मैं सारी विश मांगूंगी और बहुत अमीर बन जाऊंगी। बेटा ध्यान रखना, इस अंगूठी का तुम कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, वरना मैं ये अंगूठी तुमसे वापस ले लूंगा। ठीक है, मैं इस अंगूठी का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब मैं घर पे चढ़ती हूँ पेर, बाय बाय। नहीं तो मैं घर पे नहीं जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी। बाय बाय पेर, मुझे थैंक यू अंगूठी देने के लिए भी। बाय, थैंक यू। एक काम करती हूँ, मैं इस अंगूठी को जेब में रख देती हूँ, फिर मम्मी को पता नहीं चलेगा। और मैं ये अंगूठी मैं मम्मी से छुपा के ही रखा करूँगी, उन्हें कभी भी नहीं पता चलने दूँगी क्या मेरे पास अंगूठी है वो वाली। अब मैं इसे जेब में रख दी है, मम्मी को बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। मैं जाती हूँ। A few moments later. जादुई अंगूठी मुझे ऐसा बैग दो जिसे स्कूल में किसी के पास भी ऐसा बैग ना हो, ऐसा बैग दो मुझे। वाह, मेरे पास इतना सुंदर बैग आ गया। अब मैं इस बैग को लेकर स्कूल में जाया करूँगी, सारी फ्रेंड्स मुझसे जला करेंगी। हे भगवान, घर में काम करते करते मैं तो बोर हो जाती हूँ। खाना बनाओ, फिर सलाद बनाओ। अरे आह, ओह, मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है अचानक से? ओह भगवान, पता नहीं क्या हो गया मुझे। पता नहीं क्या हो गया। मम्मी मम्मी क्या होगा? मम्मी मम्मी उठो मम्मी। हे भगवान, मम्मी को क्या हो गया? जादुई अंगूठी मेरी मम्मी को ठीक कर दो। अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? और तुमने खाना खा लिया कि नहीं खाया? मम्मी मैं ये देखने आई थी आपने खाना बनाया है क्या नहीं। अरे खाना तो मैंने कब का बना लिया, बैगन की सब्जी बनाई है। ठीक है, मैं तो यही देखने आई थी। खा लो तुम, दे दूँ क्या? मम्मी अभी मैं थोड़ी देर से खाऊंगी। ठीक है, लो सलाद वगैरह खाओगी? कुछ मूली नहीं। ठीक है, मुझे नहीं खाना बैगन बैगन की बैगन बैगन सब्जी। जादुई अंगूठी मुझे एक लड्डू दे दो। अरे वाह, आ गया लड्डू। वाह, लड्डू कितना मस्त था। जादुई अंगूठी एक मुझे टेस्टी का पैकेट दे दो। वाह, टेस्टी का पैकेट कितना मस्त रहा। अगर टेस्टी का पैकेट ही इतना मस्त है तो खाने में कितना मजा आएगा। वाह, खाने में तो मजा आ गया। अब मैं रोज अंगूठी से नई नई चीजें मांगा करूंगी और खाया करूंगी। अब तो मैं ये जादुई अंगूठी से सारी दुनिया भर की चीजें मांगूंगी और मजे से खाऊंगी। अब तो मैं ये जादुई अंगूठी से सारी दुनिया की चीज़ें मांगूंगी। मेकअप की चीज़ें मांगूंगी, कपड़े मांगूंगी अच्छे से। और मुझे तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं जादुई अंगूठी से बोल दूँगी कि अंगूठी मुझे पास कर दो। अब मैं सो जाती हूँ।
खुशबू, ये तुम्हारे पास चश्मा, मोबाइल और टोपी कहाँ से आई? ये मेरे पापा ने दिलाई। मुझे जरा चश्मा दे ना, मुझे बहुत पसंद आ रहा है तुम्हारा चश्मा। मुझे नहीं देना तुझे। मैं पूछ रही हूँ, दे दो। मैं नहीं दूंगी। खुशबू, तुम मुझे चश्मा देती हो क्या? नहीं, निकाल के। मैं नहीं दूंगी, मेरे पापा ने दिलाया है। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मुझे चश्मा निकाल के नहीं देती हो क्या? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं दूंगी मैं चश्मा, बस तुम्हें जो करना है वो कर लो। हाँ हाँ ठीक है, कर लूंगी। खुशबू की बच्ची, तूने मुझे चश्मा और मोबाइल और टोपी नहीं दी ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। जादू अंगूठी, खुशबू की सारी चीजें मेरे पास आ जाए और वो एक गरीब भिखारी बन जाए। उसके उसको भिखारी बना के रख दो, कंगाल बना के रख दो। अरे मेरी मोबाइल अंगूठी कहाँ है? मेरी मोबाइल अंगूठी कहाँ है? मेरी मोबाइल अंगूठी कहाँ है? अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल कहाँ गया मेरा? मेरा मोबाइल कहाँ गई? अंगूठी कहाँ गई? मेरी अंगूठी कहाँ गई? मेरी अंगूठी और मोबाइल कहाँ गए? मेरी अंगूठी कहाँ गई? जादू अंगूठी। मेरी अंगूठी और मोबाइल। बेटा ध्यान रखना, इस अंगूठी का तुम कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, वरना मैं ये अंगूठी तुमसे वापस ले लूंगा। मैंने अंगूठी का गलत इस्तेमाल क्यों किया? अब जादू अंगूठी और मेरा मोबाइल भी उस पेड़ ने ही ले लिया। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालच क्यों किया? अरे बेटा ऐसे क्यों रोने लग रही हो तुम? पूरे घर में तुम्हारी रोने की आवाज आने लग रही है, क्या हुआ बेटा तुम्हें? बताओ मुझे, रोते नहीं पहले बताओ, चुप कर, क्या हुआ? मम्मी वो आपने बोला था ना, हाँ। वो अंगूठी फेंक के आना। हाँ, वो फेंकी कि नहीं फेंकी? मैंने फेंकी नहीं थी और मैंने लालच किया था, तो वो अंगूठी पेड़ ने मुझसे छीन ली और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। देखो बेटा तुमने लालच किया ना, लालच करना हमेशा गलत बात होती है, आगे से तुम कभी भी लालच मत करना, ठीक है? ठीक है। लालच मत करना, हमेशा दूसरों की मदद करते है ना वही लोग सबसे अच्छे होते हैं। अगर तुम लालच नहीं करोगी, सबसे अच्छे से बोलोगी, अच्छे से रहा करोगी, तो तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, ठीक है? चलो अब रोते नहीं, खुश हो जाओ, ठीक है? ये समझ रहे ना, भगवान ने ले ली तुमसे गलती की थी, अब तुम अच्छे काम करोगी ना तो फिर से तुम्हें कोई जादू अंगूठी मिल जाएगी, ठीक है? और मुझे विश्वास है कि वो पेड़ तुम्हारा जरूर मदद करेगा, तुम पेड़ से माफी मांग लेना, ठीक है? हाँ चलो अब खुश हो जाओ, मैं तुम्हें एक काम करो, तुम पेड़ के पास चले जाओ और एक बार उससे माफी मांग लो, ठीक है? ठीक है। वो तुम्हें मुझे लगता है जादू अंगूठी जरूर देगा, ठीक है? है जाओ। जादू पेन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज जादू पेन और वो जादू अंगूठी दे दो। जादू पेन प्लीज मुझे माफ कर दो। जादू पे तुमने मुझे अंगूठी दे दी, मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू जादू। जादू पे अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी और गरीबियों का मदद करूंगी और किसी का भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसका भी नहीं। अच्छा पेन है, अब मैं घर चलती हूँ, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, दोस्तों मेरा नाम है सोनम प्रजापति और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।